स्पेशली मेरा कप आया है। कोई गाना आता है तेरे को? अभी प्रैक्टिस करने दो। मैंने नहीं आई। नहीं, प्रैक्टिस की क्या जरूरत होती है। बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल, कहीं भी इजीली आप इसको ले जा सकते हैं। फिर थोड़ी कॉफी डाल के दिखाऊंगी। सो गाइस, कल हमारी शॉपिंग रह गई थी अधूरी, तो आज हम उसको करने जा रहे हैं पूरी। अभी पता है क्या हुआ था, मैं शक्ति बोल रही, मैं कहा शक्ति इधर से गाड़ी लग जाएगी, जब से निया इतनी टेंशन में आ गई है, करीब मम्मा गाड़ी डक गई है, बहुत टेंशन हो जाती है वही चीजों में, छोटा सा मतलब घूपला, देखो गाड़ी डक गई है। शॉपिंग करने जा रहे हैं हम, है ना निया? क्यों निया के पापा डिसाइड करा है, मैं शक्ति को निया के पापा बोलूंगी। ओ शिट गाइस, अभी हम ले आए निया को पार्क में घुमाने। ये देखो, ये देखो। अरे निया कितना सुंदर लग रहा है भाई, है ना सोनम? अपने काम से आई है, रील्स बनानी है। यह सही क्लियरिटी भी आ रही है यहाँ से, द्वारका के अंदर है ना, वैसे ग्रीनरी बहुत है और पार्कों की बिल्कुल भी कमी नहीं। बंदे की डेडिकेशन देखो, अकेला बंदा म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है। पैसेंजर्स को बाय करो, प्लेन में से निया पैसेंजर्स को दे, पैसेंजर निया को देख रहे हैं, सबको बाय कर दो, बाय कर दो, मेरे फैंस जा रहे हैं। बहरूपिया मिली गया, देखो ये बागरी देखो सोनम। तो गाइस, ये पार्क सच में बहुत अच्छा है, सेक्टर 17 के अंदर। इसको डॉगी से मिलवाया भाई, इतना क्यूट था वो छोटा सा। तो गाइस, निया को देखो कितने मजे आ रहे हैं, भाग कर इसीलिए आए। चलो मम्मी पापा फटाफट चलो, मैं झूला झूलूं। मैं सोच रही हूं मैं अब स्कूटी ले लेती हूं, रोज निया को यहीं नहीं। क्या जिम करती है? जिम तो वो कर रही है सामने एंटिया देख। ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से सीधा चंद्रमा पे चली जाएगी आंटी। एक लाफ लगाएगी तेरे को, एक लाफ की लगाएगी तो तेरे को कह रहा हूँ मोटिवेट हो, यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है वर्कआउट। क्या वर्कआउट करते हो तो जिम में जाके? यार आंटी बड़ी जल्दी थक गई यार। अभी आ गए हम रिलायंस ट्रेंड, जैसे जैसे तू चेक कर रही ना वैसे वैसे देख, सेम चेक कर करके जा रही है। वैसे क्या देख रही है तू अपने लिए? अच्छा है, काफी गर्म है और सॉफ्ट भी है। निया देखो इस पानी को देख के बहुत खुश होती है, बाहर आती है जब भी। इसके दोस्त है अदृश्य दोस्त, भूत, इसके छोटे छोटे भूत दोस्त है, वो एक हाथ से पकड़ लेती है और कहती है चोल चोल। इस वीडियो आगे शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके घर में अगर पेट हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तो आपके घर में गंदगी तो होती ही है, जैसे कि सोफा, मैट्रेस, चेयर और इसके सिमिलर चीजें गंदी हो ही जाती है। इसीलिए पुराने दाग धब्बे इनको रिमूव करने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगारो का क्रेस्ट पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर। गाइस, इसके एक साइड जो वाटर टैंक है इसकी मैक्स लिमिट है 600 ml, तो ये गंदा पानी स्टोर करेगा। एंड इसके दूसरे साइड जो ये टैंक है इसमें साफ पानी स्टोर करेंगे। सो गाइस, इस वाटर टैंक की क्वांटिटी है 1.8 लीटर, इसमें 1.8 लीटर तक आप साफ पानी भर सकते हैं। सो यहाँ पे गाइस मेरे पास है फर्स्ट अटैचमेंट, ये है मेरे पास ड्राई ब्रश, इसको लगाना बहुत इजी है, बस आपको धीरे से प्रेस करना है और ये बटन आपका बाहर आ जाएगा, देन ये रेडी है बिल्कुल। एंड मेरे पास है सेकेंड अटैचमेंट, ये है स्टेन ब्रश, इसमें आप दाग धब्बे आसानी से निकाल सकते हैं। साथ में इसमें ये देखो, ये बिल्कुल रेडी हो गया, मैंने इसको लगा दिया। साथ में इसमें वाटर स्प्रे फंक्शन भी है, ये अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी। एंड इसको निकालने के लिए भी इसी प्रोसेस से निकालना है। सो गाइस, अभी मैं दिखाती हूँ कि इसके वाटर टैंक को कैसे ओपन करना है। आपको ये वाला यहाँ से हल्का सा स्लाइड करना है ऐसे, एंड आपको लगाने के लिए भी सेम प्रोसेस करना है, ये देखो। सो गाइस, अभी हम इस टैंक में पानी भरेंगे। गाइस, मैंने इसमें पानी भर लिया है एंड देन मैंने इसको फिक्स कर दिया। सो गाइस, यहाँ पे आपको ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है, बहुत हल्का सा है, तो आप कहीं भी इजीली आप इसको ले जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। सो गाइस, आपको बहुत लंबी वायर मिल जाती है, आप कहीं भी इसको इजीली लगा सकती है, तो मैं इसको यहाँ लगा रही हूँ। सोफे मेरे इतने गंदे हो रखे हैं तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कुछ मेरे पास ऐसा आए जो मैं इसको क्लीन कर सकूँ, तो अभी मेरे पास ये अगारो का क्रेस्ट पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर, तो मैं आज आपको यूज़ करके दिखाऊँगी। एंड मैं सोच रही हूँ, मेरे पास एक सॉस की बॉटल है तो मैं यहाँ पे सॉस गिरा रही हूँ आपको दिखाने के लिए सिर्फ, कि ये साफ क्लीन होता है या नहीं। गंदा हो गया ये, पहले से ही बहुत गंदा था और भी ज्यादा गंदा हो गया, तो मैं अभी क्लीन करके दिखाती हूँ। एंड आपको वाटर स्प्रे वाला फीचर भी आपको यूज करके दिखाऊंगी। रिजल्ट आपके सामने, आप देख सकते हैं मैंने सॉस इसके ऊपर गिराया था, एकदम साफ हो गया, बस ये इतना गीला है कि 10 से 15 मिनट में इजीली सूख जाएगा। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अपना दूसरा अटैचमेंट लगा लिया और मेरा कारपेट बहुत टाइम से गंदा है, तो मैं इसको क्लीन करने का सोच रही थी। आपको मैं दिखाती हूँ बिल्कुल सामने कि कैसे क्लीन हो जाएगा एकदम कुछ ही मिनटों में।
सो आप देख सकते हैं कुछ ही मिनट लगे मुझे और ये साफ करने में। मैंने ब्लैक पे स्पेशली आपको दिखाया है, और जगह नहीं, बिल्कुल साफ हो गया। एंड गाइज आपको पता है चाय और कॉफी के धब्बे आसानी से नहीं जाते हैं, मेरे मैट्रेस पे भी है, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ी कॉफी डाल के दिखाऊंगी बिल्कुल व्हाइट वाले सरफेस पे। एंड ऑलरेडी स्टेन्स भी हैं। मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ भी दिया है इसको अच्छे से टेस्ट करने के लिए। अभी मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ स्टेन दूर होगा या नहीं, अभी देखते हैं। पांच मिनट अप्लाई करने के बाद ये धब्बा एकदम से साफ हो गया है, बिल्कुल व्हाइट सरफेस पे मैंने आपको दिखाया ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा सकूं। कितनी कमाल की चीज है ना। गाइस अब आप ये सोचेंगे कि इसके होस पाइप को कैसे साफ करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा अटैचमेंट मिल जाएगा, इसको आपको इसमें फिक्स करना है, इसको ऑन कर लेना है, ये ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। एंड इस मोटर बटन को ऑन करना है धीरे धीरे और ये साफ हो जाएगा। एंड गाइज इसका एक और बेस्ट पार्ट है, इस वायर को आपको ऐसे लटकाने की जरूरत नहीं, इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ आपको इस स्टैंड मिल जाता है, तो आपको इस तरह से फिक्स कर देना है। एंड इस तरह से आप वायर को राउंड करके फिक्स कर सकते हैं इस तरह से। सो गाइज मैंने ज़्यादा पानी तो यूज़ नहीं करा था, बट मैं आपको पानी की क्वालिटी अब चेक करवा देती हूँ, कितना गंदा पानी इसमें कलेक्ट हो गया है। तो क्लीन करते टाइम ये अटैचमेंट गंदे हो गए, कुछ नहीं करना आपको, वाटर में इस तरह से आप क्लीन कर लेना है अच्छे से। एंड गाइज आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल और 1 ईयर की वारंटी आपको मिल जाती है। सो गाइज पर्सनली मैं ये मानती हूँ कि इस तरह के क्रेस्ट क्लीनर की जरूरत हर घर में पड़ती है, क्योंकि हम इजीली चेयर सोफे कवर वगैरह साफ नहीं कर पाते हैं। एंड रियली ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का लिंक है, गो एंड चेक नाउ। गाइज निया है ना, अब सीधा जा रही है दादा दादी के पास में, इसका यही चलता रहता है, कभी जयपुर कभी दिल्ली। निया का मेरे को लगता है पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही चलेगा। खुशी देखो गाइज इसकी, बिल्ली देखो, बिल्ली की शक्ल देखो, वैसे सोनम तो अच्छी लग रही है, अब आ रही है क्लियरिटी। निया देखना कितनी खुश हो रही है, ये निया को बहुत मजा आ रहा है भाई। बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत बेकरार रहता है, पूछ ही देना सबको। आए हाय, अरे वाह सोनम तू भी बढ़िया लग रही है, पर मेरा कैमरा साफ नहीं है इस वजह से थोड़ा ब्लर आ रहा है। पहले खाएंगे गोलगप्पे और निया को भी खिलाएंगे। ये हमारी सोसाइटी के जस्ट सामने बनाता और बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाता है, खा के देखते हैं कभी आसपास के हो तो। आप ले लो ये लो ये लो। देखो गाइस सोसाइटी का पार्क कितना बड़ा, और देखो दो पार्क और, एक पार्क और है पीछे जहाँ पहले हम क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। भाई बचपन इधर ही गुजरा है, बचपन तो नहीं बोल सकते, आधी जवानी इधर बीती है। बहुत ही कम ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें इतना स्पेस होता है। दीदी को हाय करो, हाय करो दीदी। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। तो अकेले क्यों, कौन है आपके साथ में? अच्छा दोस्त आएंगे, बच्चे कितने क्यूट होते हैं, मेरे दोस्त आएंगे अभी। गाइस मैंने निया को बिठा दिया, निया बहुत मस्त झूल रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, अगर छोड़ोगे तो गिर जाओगे यहाँ पे ना। देखो दीदी कितने अच्छे से झूल रही है, देखो दादू को डरा के आ जाओ। तो गाइस सोनम क्यों रहा है सर में दर्द, तो मैं बोलूं पापा से कि चाय बना दे कड़क सी, पापा बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। अरे कोई नहीं, अपनी बहू के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं चलो मैं पापा को बोल के आता हूँ, निया भी पिएगा हमारा चाय। बेटे के अंदर गुण तो बाप बाप से ही आते हैं, अच्छी आदत है यार। तो बीवियाँ खुश रहती है ना, देख मम्मी अम्मा शॉपिंग करने गई है, देखो पापा खाना बना रहे हैं, देख ये सही है ना। मम्मी तो अभी है ना आर्यन के साथ गई है घर की ग्रोसरी शॉपिंग करने, और देखो पापा बना रहे हैं सब्जी, और पापा सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं, सच बता रहा हूँ शुरू से ही बहुत अच्छी बनाते हैं, हम तो बचपन से खाते हैं, तो पापा के हाथ की सब्जी हमें अच्छी लगती है। मम्मी बनाती है तो ऐसे लगता है कि क्या मम्मी आपने क्या बना दिया, बनाना ही छोड़ दिया उन्होंने। नहीं बनाती है, कम बनाती है। पापा कड़क सी चाय बनाना, आज सोनम कह रही है आज आप बना के पिलाओगे चाय। हाँ मैं बना के पिलाऊंगा, बिल्कुल कड़क कड़क। हेलो चाय पिएगा, निया भी पिएगा चाय दादू के हाथ की। आपको अपने एक सुपड़ी मामा से मिलवाना चाहता हूँ, हमारे ब्लॉग में देखा होगा लॉकडाउन में मामा ने हमारे को बहुत पता नहीं क्या क्या बना बना खिलाया था, मटर पनीर। क्या क्या बनाया था मामा? चावल बनाए थे और पीते थे। क्या मामा ये नहीं बता रहा था? ये मामा देखो सारी पोल खोल रहा हमारी। मैं सोनम को पनीर की सब्जी बहुत, पनीर की सब्जी मामा बनाया करता था। सोनम मेरे को पसंद करती थी, मतलब मामा कहने का मतलब ये मामा की बनाई हुई सब्जी बहुत अच्छी लगती थी सोनम को। और ये गाइस मामा का एक्सीडेंट हो गया भाई पैर का, मामा का पैर कट चुका। मामा थोड़ा सा छोटा हो गया, आपका पैर कटा नहीं है छोटा हो गया, चार उंगल छोटा हो गया। अब मामा लगड़ा के चलेगा, कोई बात नहीं मामा, आप उसका लिए मोटे जूता बनवा देंगे हम। कभी भी बाइक चलाया करो, तेज मत चलाया करो, देखो ऐसी हालत हो सकती है, तेज बाइक चलाने का नतीजा है भाई। और तेज बाइक और ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक भी कर रखी थी ना आपने,
तो कभी भी शराब पीकर गाड़ी वाड़ी मत चलाया करो भाई, कुछ भी हो सकता है। गाइस आप मामा को हल्के में मत लेना, 3 शादी कर चुका है। सुनो तैयारी है पर अभी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट नहीं टूटता, मैं चौथी भी करने को तैयार हो गया। देख लो गाइस बंदा देगा कितना दबंग है। मामा आप इस पूछ कैसे मार लेते हो ऐसे दांतों के साथ में। पापा कह रहे हैं आपके बार सोनू की बुआ से करवाएंगे शादी। एक चीज और बता दो, मामा बैंक में नौकरी करता है, सरकारी नौकरी वाला हो बंदा तो उसको क्या नहीं मिल जाता सोनम। आज की डेट में सब कुछ पॉसिबल है सरकारी नौकरी वाले के लिए। अरे निया तू क्या बन गया भाई, चॉकलेट मिल गई तभी तो किसी से बात नहीं कर रहा भाई। ये छोटा सा दादू चाय वाला आ गया, नहीं ये देखो दादू चाय वाला, ये स्पेशली मेरा कप आया है। आज मुझे ससुर जी ने चाय बना के बुलाया, कितनी बड़ी बात है देखो। सही बात है, बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। ये निया का सबसे छोटा ग्लास पापा लेकर आए हैं। कैसी बनी है चाय पी के बता, क्या डाला पापा आपने इसमें चाय में? अदरक है, काली मिर्च है, थोड़ी सी लौंग है। मम्मी के ऊपर सूट वैसे अच्छा लग रहा है, ये वही वाला सूट है जो करवा चौथ पे दिया था मम्मी को, आज मम्मी ने पहना है। ने देखो वही जगतपुरा से शॉपिंग करके शॉप से पहन रखा है, ये देखो जगतपुरा वाली शॉप से पहन रखा है। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आर्मी की जल्दी से शादी करेंगे। अब कब कर रहे हो मम्मी इसकी शादी, कब कर रहे हो आप? ये जाना। देखो हमारे घर में है ना कोई फिक्स नहीं है काका शादी, इसकी बारात तो गढ़वाल जाएगी। देखो गढ़वाली बेटा। ये गाइस दिल्ली में रहेगा। नहीं यार लेना है तो हाथ में ले, नहीं तो खिलाऊंगी नहीं।